प्रदेश में दंगाइयों और अपराधियों पर शिकंजा कसने के बाद अब योगी सरकार प्रदेश के ड्रग माफियाओं पर चाबुक चला रही है। सीएम योगी ने आज अवैध शराब और ड्रग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की। इस दौरान सीएम योगी ने ड्रग और अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करते हुए नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगाने के निर्देश दिए हैं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF का गठन कर दिया है। इसके तहत जोन क्षेत्रीय स्तर पर नारकोटिक्स पुलिस थाना की स्थापना की जाएगी। पहले चरण में बाराबंकी और गाजीपुर में नारकोटिक्स थाना स्थापित किए जाएंगे। वहीं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पूरे उत्तर प्रदेश में 3 रीजन वेस्ट, सेंट्रल व ईस्ट में विभाजित किया गया है। मुख्यालय स्तर पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रभारी पुलिस उप महानिरीक्षक ANTF होंगे, जिनके साथ पुलिस अधीक्षक ANTF ऑपरेशन एवं पुलिस अधीक्षक ANTF मुख्यालय नियुक्त रहेंगे। इसके साथ ही मुख्यालय स्तर पर अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय और पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन एवं पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय नियुक्त होंगे। तीनों रीजन वेस्ट, सेंट्रल और ईस्ट के प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक होंगे। वेस्ट रीजन के अंतर्गत मेरठ, बरेली, आगरा, सेंट्रल रीजन के अंतर्गत लखनऊ, कानपुर तथा ईस्ट रीजन के अंतर्गत प्रयागराज, गोरखपुर व वाराणसी जोन आएंगे। इन जोनल प्रभारियों को आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, इसे क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बल्कि राष्ट्रीय अपराध की तरह देखा जाएगा, क्योंकि ये लोग समाज की युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। ये युवा आने वाले भारत के भविष्य का आधार है। ऐसे में इसमें संलिप्त माफियाओं और उनके गुर्गों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, इस अभियान में चिन्हित अपराधियों की संपत्ति जब्त किए जाने की कार्रवाई के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर इनके पोस्टर भी लगाए जाए, ताकि राष्ट्रद्रोहियों और समाजद्रोहियों को सबक सिखाया जा सके। पहले चरण में चलाए गए इस अभियान के तहत प्रदेश भर के 342 हुक्काबारों और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के 4338 ठिकानों पर छापे मारते हुए 785 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। यही नहीं, इन लोगों के पास से 5.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत के मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं।